I believe that it is our primary responsibility to make our guest feel comfortable and welcome in our house. I want my guests to leave my house with positive energy and happy memories. To make them feel special, I always follow three kind gestures, which we are going to talk about in today's video. Hi, I'm Ramna Rana. Thank you so much for watching and subscribing my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please click on the subscribe button you're watching on your screen right now. Keep your house guest ready always. At least आपका living room हमेशा clean रहना चाहिए. मैं हमेशा अपने घर के living room को साफ रखती हूँ. चीज़ों को use करने के बाद वापस उनकी जगह पे रखना चाहिए. Dining table and center table को हमेशा clean रखो और ज़रूरत पड़े तो बाकी के डेकोरेटिव आइटम्स को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए. पहले से सब ऑर्गेनाइज रखने का एडवांटेज ये होता है कि आपको गेस्ट के पास बैठने का, उनसे बातें करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है. इसी के लिए तो वो आपके पास आते हैं. I always want to be a good host. I provide my guests with basic essentials. Provide them with basic toilet accessories. वो use करें या ना करें, leave it up to them. But by doing so, you are definitely making them feel special. Coffee, चाय और juice serve करने से पहले plain water serve करना चाहिए. बेवरेज सर्व करते टाइम ग्लास को पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना चाहिए. चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो या फिर जूस हो, कप को हमेशा 3/4 तक ही भरना चाहिए. हमेशा कप को या ग्लास को ऊपर से 1 इंच छोड़ देना चाहिए. वीडियो देखते रहिए और अभी जानिए कि कैसे हम स्मार्टली स्नैक्स को सर्व कर सकते हैं. Quick and easy recipe of biscuit canapes. To make this, we need Monaco biscuits, coriander leaves, onion, finely chopped tomato, save, cheese slices, and chilies, tomato ketchup, mayonnaise, and chaat masala.
लेकिन जब ऐसे बारिश के मौसम में गेस्ट आते हैं तो इंडियन फैमिलीज में सबसे पहले चाय पकौड़ा बनता है। मैं बनाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट मिर्ची वड़ा। सबसे क्विक बनाना और इतना यमी कि बार बार खाने को मन करे। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्ची, करी लीव्स, हरा धनिया, कसूरी मेथी, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, आमचूर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज। मिक्स, स्टफ एंड फ्राई इट। है ना एकदम डिलीशियस, देखने में कितना बढ़िया लगता है। सेम चीज़ें, सेम इंग्रेडिएंट्स, बस उनको यूज़ करने का तरीका और उनको सर्व करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर तो डेफिनेटली करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।